हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दिव्या। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इजीली और क्विकली बनने वाली रेसिपी लेके आई हूं, पास्ता की रेसिपी, जिसे फारफाले और बटरफ्लाई पास्ता भी कहते हैं। ये जितनी देखने में सुंदर लगती है उतनी ही टेस्टी और यम्मी भी लगती है, और बनाना बहुत ईजी है। इसको आप किसी भी रूप में खा सकते हैं, चाहे तो खाने के रूप में, नाश्ते के रूप में, या फिर बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये किसी भी रूप में बहुत अच्छी लगती है और बनाना तो बहुत ही इजी है, और ये बहुत हेल्दी भी है। इसमें आप ढेर सारे वेरिएशंस कर सकते हैं, अपनी मनपसंद सब्जियां डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2-3 सब्जियों का ही यूज़ किया है, बट ये बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर अच्छी लगेगी तो आप इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो मैंने यहाँ पर फरफैले पास्ता लिया है, बटरफ्लाई पास्ता भी कहते हैं इसे। इसको 10 से 12 मिनट लगते हैं बॉयल होने के लिए, तो इसे आप पानी में अच्छी तरह बॉयल कर दें। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हम बॉयल करेंगे। तो चलिए इसी भी सब्जियों की तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें आप अपनी मनपसंद सब्जियां डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे हरी और पीली शिमला मिर्च यूज़ किया है, साथ में थोड़ा सा प्याज और लहसुन और हरी मिर्ची। तो इनको काट के हम ले लेंगे। इधर हमारा पास्ता बिल्कुल बॉयल हो गया है, और इसको हम ठंडे पानी के नीचे इस तरीके से वॉश कर लेंगे, ताकि बिल्कुल चिपके नहीं, अलग अलग रहे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद हम एक पैन लेंगे, फ्राइंग पैन, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में हम थोड़ा सा बटर डालेंगे स्वाद के लिए, और जैसे ही गर्म होता है तो उसके बाद हम इसमें गार्लिक एंड चिली डाल देंगे। तो चिली आप अपने हिसाब से यूज़ करें। तो जैसे ही चिली और गार्लिक थोड़ा सा, बिल्कुल हमें उसको ब्राउन नहीं करना है लहसुन को, तो हल्का सा बिल्कुल भुनेंगे। उसके बाद साथ ही साथ हम अनियन भी डाल देंगे इसमें, और जैसे ही अनियन 1-2 मिनट के लिए भुन जाएगा, ट्रांसलूसेंट सा कलर आएगा, तो हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, मैंने इनको बिल्कुल सिंपल रखा है ताकि पास्ता का स्वाद आ सके। तो आप अपने मनपसंद सब्जियां यूज़ कर सकते हैं, इसमें मशरूम भी डाल सकते हैं, कॉर्न भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने डाला है पास्ता, जो रेडीमेड सॉस आता है मार्केट में, वो मैंने 3 से 4 चम्मच डाला है, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि उसकी जो हम उसको डाइल्यूट करेंगे ताकि पास्ता अच्छे से मिल सके। और फिर 1 या 2 चम्मच के बराबर इसमें हम सॉस डालेंगे, जो नॉर्मल सॉस होती है, टोमेटो सॉस। और हर्ब्स डालेंगे थोड़ा सा, आप अपने मनपसंद हर्ब्स डाल सकते हैं इसमें, पास्ता जो मिक्स होता है, या फिर पिज़्ज़ा मिक्स होता है, या फिर कोई भी हर्ब अपने मनपसंद का आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बंदिश नहीं है। और उसको अच्छी तरह मिला देंगे, और फिर फटाफट हम उसमें पास्ता जो हमने बॉयल करके रखा है वो डाल देंगे, और इसको फिर बहुत अच्छे से ऊपर नीचे करके टॉस करेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और कितना यम्मी लग रहा है। ये आप किसी भी समय, बच्चे जब भूख भूख करते हैं, आप या तो शाम के नाश्ते में दे दें, या फिर उनको टिफ़िन में दे दें, दोपहर के लंच में आप दे सकते हैं, या फिर डिनर में भी खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगता है। तो इसको हम बिल्कुल अच्छे से टॉस कर लेंगे, ताकि जो ग्रेवी है ऊपर नीचे अच्छे से मिल जाए, फिर गर्मा गर्म इसे सर्व करें। बच्चे एकदम खुश हो जाएंगे, और आपको भी बहुत टेस्टी लगेगा। ये किसी को भी बहुत टेस्टी और यम्मी लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप इसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं, तो आप इसमें वेरिएशंस बहुत कर सकते हैं। ऊपर से इसको हम थोड़ा सा चीज़ से गार्निश कर देंगे, इससे थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ जाएगा, और देखने में भी इतना खूबसूरत लग रहा है। तो ये देखिए फटाफट तैयार हो गया। जितना बॉयल होने में टाइम लगता है इसको, बस उतना ही टाइम लगता है, बाकी इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, जैसा कि आपने देखा। तो ये तैयार है यम्मी पास्ता, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।